क्या नाम है आपका? मोहम्मद असलम कुरैशी। कहाँ के रहने वाले हैं? नीलकाना पश्चिमी तरिया सलून जिला रह रहे हैं। यूक्रेन में जो फंसे हुए हैं कौन है आप? हमारा बच्चा है। क्या नाम है उनका? मोहम्मद असलम कुरैशी। कब गए थे और क्या करने गए थे वहाँ पे? MBBS करने गया था, 14 साल उसका थी। जी, कैसे पता चला आपको कि वहाँ बात होती थी? कॉल से बात हुई थी, फोन आया था और पेपर में पढ़ा, हमने देखा था, पता चला कि मार्जिन छिड़ गई है, कुछ बात होने लगी। बच्चे से पूछा, हाल पूछते होता पापा, हम लोग बहुत परेशान हैं, यहाँ बड़ी दिक्कतें हैं, हम लोग बैंकर में हैं, खाने पीने के लिए परेशानी है, और हम लोग जितने भी बच्चे हैं सब बैंकर के अंदर हैं, ना कहीं आ सकते हैं, ना कहीं जा सकते हैं। दहशत हो बहुत ज़्यादा हम लोगों को है, डर ऐसा लग रहा है, और यहाँ हमारे परिवार के लोग भी बहुत दहशत में हैं, परेशान हैं हमारे बच्चे को लेकर, और जितने भी बच्चे हमारे वहाँ हैं यूक्रेन में, वो सारे बच्चे सब परेशान वहाँ हैं। और हमारी सरकार से ही गुजारिश है, बच्चों को जल्द से जल्द लाने की कोशिश की जाए, किसी भी तरह उनको लाया जाए। लास्ट बार आपसे कब बात हुई? ये कल बात हुई थी रात में, करीब रात में 2 बजे हुई थी। उसके बाद फिर सुबह जब हमने कॉल किया तो हमने बेटा क्या हुआ, उन्होंने कहा कि हाँ वो सरकार का कहा था कि हम 2 घंटे बाद गाड़ी भेजेंगे, शाम तक आएगी गाड़ी, तो गाड़ी अभी नहीं आई और अभी भी गाड़ी नहीं आई। तो हमने कहा फिर क्या हुआ, भैया यहाँ सब बच्चे जितने भी सब परेशान हैं, सब अंदर बैंकर के अंदर हैं, और बहुत ज़्यादा परेशानी पहले ज़्यादा हो गई है, यहाँ तक कि कुछ नहीं बचा हम लोगों के पास खाने पीने का। क्या कहना चाहेंगे आप? हम यही सरकार से कहना चाहते हैं कि जल्द जल्द हमारे जितने भी हिंदुस्तानी वहाँ बच्चे फंसे हैं, उन सबको यूपी में इंडिया में ला के छोड़ें, और सब अपने घर घर जाकर माता पिता से मिले बच्चे लोग, और हमारी मोदी जी और योगी जी से ही गुजारिश है जल्द से जल्द उनको लाने की कोशिश करें। आप लोगों को माध्यम से हम ये बताना चाहते हैं सरकार को। क्या नाम है आपका? सलवानी बानो। कहाँ का रहने वाले? सलवन। जो यूक्रेन में फंसे हुए कौन है आपके? बेटा। क्या नाम है? मोहम्मद असद कुरैशी। क्या क्या बात हुई वहाँ पे, क्या परेशानी है, कैसे आपको पता चला? वहाँ पर बहुत परेशान है सब, सारे बच्चे परेशान हैं, नहीं है धमाके सुन सुन के सब दहशत में पड़े हुए हैं। क्या करने गए थे वहाँ? कब गए थे? MBBS करने गए थे। कब गए? 14 साल। अच्छा, कैसे पता चला आपको कि वहाँ पोजीशन खराब है? जैसे न्यूज़ देखते हैं और उसका भी कॉल आती है। अच्छा, लास्ट बार आपसे कब बात हुई थी? कल हुई थी। तो क्या पोजीशन बता रहे हैं? बता रहे थे हम लोग बहुत परेशान हैं, जितनी जल्दी हो हर सरकार को बुला लें। आप क्या कहना चाहेंगे? हमारी यही गुजारिश है सरकार से कि सब बच्चों को जल्दी से जल्दी लाया जाए, क्योंकि बच्चे दहशत में और परेशान हैं।